नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं कुंदन जमैर। अयोध्या राम मंदिर के साक्षात दर्शन हम आपको करवाने जा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। राम मंदिर के भीतर पहुंचा है सी मीडिया, भव्य और दिव्य दर्शन आप सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देख रहे हैं। सीधे रुख करते हैं शुभम का। शुभम जी, बिल्कुल इस वक्त हम लोग अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या की राम नगरी में, अयोध्या के में जो रामलला का मंदिर बन रहा है उसका निर्माण कितना तेजी से चल रहा है वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए इस वक्त हम लोग जन्म भूमि पर मौजूद हैं। ठीक बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि ये गोपुरम द्वार है और ये जो खास तौर से जो प्रमुख द्वार पड़ेगा जब इस राम मंदिर परिसर में हम जब प्रवेश करेंगे तो ये बाईं तरफ है। इसका काम जो भूतल तक है वो लगभग पूरा कर लिया गया है और इसके आगे जहां पर ये परिक्रमा करेंगे जो तमाम भक्त होंगे उनके लिए जो ये जगह बनाई गई है, ठीक बाईं तरफ आप देख सकते हैं। तय समय पर सबसे ज्यादा जो लक्ष्य रखा गया है कि जनवरी पर रामलला अपने मंदिर में विराजमान हों, ऐसे में इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए कई मजदूरों की संख्या भी बढ़ाई गई है। दिन रात काम की तेजी में, काम में तेजी लाई जा सके जिससे कि जो लक्ष्य है राम मंदिर का वो समय पर पूरा हो। लिहाजा इसी के तहत जो सबसे पहले हमने आपको दिखाया कि जो भूतल तक है वो सबसे पहले जो आगे प्रवेश पर जो द्वार पड़ना है वो काम ग्राउंड तक लाया जा चुका है और उसके बाद जो परिक्रमा के लिए जगह छोड़ी गई है वो भी यहाँ तक पूरी कर ली गई है। इसके बाद हम आपको दाहिनी तरफ भी दिखाएंगे, ये भी परिक्रमा के लिए खास तौर से एक जो जगह बनाई गई है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा खुदाई का काम लगभग पूरा हो चुका है और इसके बाद इसमें भी जो परिक्रमा के लिए जो तमाम भक्त रहेंगे वो यहाँ पर परिक्रमा करेंगे उनके लिए पूरी विशेष तौर पर ये जगह बनाई जा रही है। ऐसे में तेजी के साथ यहाँ पर भी काम चल रहा है, दिन रात मजदूरों की संख्या कई गुना बढ़ाई गई है जिससे कि जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण हो सके। अब इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक एक जो कण है, एक एक जो स्टेप बाय स्टेप हम आपको राम मंदिर का निर्माण कैसे हो रहा है, किन चीन की चीजों का ध्यान रखा जा रहा है, हर चीज आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जी मीडिया पर आप ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख रहे हैं, सामने आप देख सकते हैं कि अब हम राम मंदिर की उन सीढ़ियों पर, सीढ़ियों की तरफ चल रहे हैं जो सीधा राम मंदिर जहां पर रामलला का बाल स्वरूप या रामलला विराजमान होंगे उस तरफ बढ़ रहे हैं। ये आपने सबसे पहले देखा जो प्रमुख द्वार था उस गोपुरम के बाद, ये जो जहाँ पर जो तमाम जो भक्त हैं वो जो परिक्रमा करेंगे और इसके बाद अब ये सीढ़ियाँ आ गई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद सामने की तरफ सिंह द्वार मिलेगा जो मंदिर का प्रमुख द्वार है। ये करीब 32 सीढ़ियाँ हैं, 32 सीढ़ियों के ठीक सामने आप देख सकते हैं जी जय श्री राम लिखा हुआ है और तमाम जो एजेंसीज हैं जो काम में लगी हुई हैं वो इस काम को तेजी से पूरा करने में लगी हुई हैं। कैमरामैन देशराज से कहूँगा कि ये जो पिलर बनाए जा रहे हैं ये देखिए, सबसे महीन काम और सबसे कठिन काम रामलला के मंदिर के निर्माण में इन पिलर्स पर ये नक्काशी है और इसको एक एक डिज़ाइन बनाने में बहुत समय लगता है और उसी काम में ये मजदूर दिन रात एक एक करके देखिए तराश रहे हैं बकायदा, जिससे कि एक एक भव्य दृश्य, भव्य रूप राम मंदिर के निर्माण में हर कण अपना योगदान पूरी तरह से दे सके। लिहाजा यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो कहें अगर हम कि पेशेंस और उसके बाद जो परिणाम आ रहा है वो उस पर पूरी तरह से ध्यान है। अब आइए हम आपको ऊपर की तरफ ले चलते हैं जहाँ पर ये 32 सीढ़ियाँ हैं जो हमें सीधा मंदिर के प्रमुख द्वार सिंह द्वार तक पहुँचाएंगी और उसके बाद हम मंदिर के भीतर प्रवेश करेंगे। और इस वक्त आप सामने देख सकते हैं कि ये जय श्री राम जहाँ लिखा हुआ है ठीक सामने का ये स्पेस खाली रखा गया है। अब इसके बाद यहाँ से आप ठीक पीछे की तरफ देख सकते हैं कि ये सिंह द्वार है, सिंह द्वार ये सब जो मंदिर का प्रमुख द्वार के रूप में होगा और इनके भी पिलर्स लगभग पूरे कर लिए गए हैं। बड़ी संख्या में ये पिलर्स हैं, एक के बाद एक यहाँ से करीब बड़ी संख्या में ये पिलर्स का काम है। बताया जा रहा है कि 80% काम इस पूरे परिसर में इस पार्ट का हो चुका है। ऐसे में जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण हो इसी प्रयास में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। एक बार फिर मैं कैमरामैन देशराज से कहूँगा कि इन जो पिलर्स की खूबसूरती को दिखाएं, इन स्तंभ की खूबसूरती को दिखाएं, क्योंकि इनको बनाने में, इनको तराशने में सबसे ज़्यादा वक्त लगता है और ऐसे में इसी की तरफ ये लक्ष्य जो रखा गया है
उसी की तरफ आगे तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए ये जो तमाम यहाँ पर वर्कर्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब हम आपको अंदर की तरफ भी ले चलते हैं जहाँ पर ये मंदिर का निर्माण आगे बढ़ रहा है तेजी के साथ। इसके बाद चार सीढ़ियाँ और हैं और एक हम जिसके बाद दूसरे उसमें प्रवेश करते हैं, एक के बाद एक कई सारे पिलर्स के बीच में से ये रास्ता होते हुए गुजरता है। और कैमरामैन देशराज से कहूँगा कि ये दृश्य दिखाएं, ठीक सामने की तरफ। अभी हालांकि तस्वीर इतनी साफ आप तक नहीं पहुंच रही होगी, जैसे जैसे लेकिन हम करीब जाएंगे आपको वो तस्वीर भी दिखेगी जहां पर रामलला विराजमान होंगे। ऐसे में ये लगभग देख सकते हैं आप कि सभी पिलर्स पर नक्काशी का काम, सभी पिलर्स को खड़ा करने का काम पूरा कर लिया गया है। लगभग जितने भी पिलर्स इस फ्लोर पर लगने थे उनका काम पूरा हो गया है। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों की संख्या बढ़ाई गई है। जिन कंपनियों को काम सौंपा गया था वो अपने काम में पूरी तरह से लगी हुई हैं और जल्द से जल्द इस काम को लक्ष्य को पूरा करने में अपनी भागीदारी निभा रही हैं। अब हम आपको ले चलते हैं और अंदर की तरफ जहाँ पर इस मंदिर की खूबसूरती बढ़ाने वाले वो तमाम जो पिलर हैं अलग अलग जगहों पर उन पर नक्काशी का काम चल रहा है। और ये इस वक्त हम फिर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर रामलला विराजमान होंगे। आपको सीधा वहाँ ले चलते हैं और ये देख सकते हैं आप कि लगातार, और ये एक ऐसी जगह है, ये पूरा का पूरा ऐसा स्थान है जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, ये पूरा गोल सा दिख रहा है। ये बताया जा रहा है कि पूरी तरह से खुला रहेगा और इसको मुख्य कारण ये है कि इस जगह पर किसी भी तरह से ये ढका नहीं रहने वाला। और इसके बाद का जो ये, क्योंकि सामने की तरफ रामलला विराजमान होंगे वहाँ पर जहाँ आप देख रहे हैं कि भगवा झंडा लगा हुआ है, जय श्री राम लिखा हुआ है, तो ये इस पूरी योजना के तहत यहाँ पर तेजी के साथ काम आगे बढ़ रहा है। खासतौर से चंद्रपुर के जंगलों की लकड़ी का प्रयोग किया जाएगा, इन लकड़ियों की कटाई का भी काम चल रहा है। गर्भगृह का जो कपाट होगा, यानी जो ठीक सामने उसका जो कपाट है लगभग 9 फीट का 12 फीट चौड़ा होगा। दरवाजा सोने से बनित होगा। ज़्यादा से प्रथम तल पर पहुँचने के लिए सिंह द्वार है, उसके उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ सीढ़ियों पर निर्माण होगा और दोनों तरफ लिफ्ट भी लगाई जाएगी। इसका मतलब कि जहाँ पर हमने एंटर किया उसके दोनों तरफ ज्ञान है और उन लोगों के लिए मंदिर तक पहुँचने के लिए काम का भी किया जाएगा। ऐसे में ठीक है शुभम, हमारे साथ बने रहिए। दरअसल आपकी आवाज थोड़ी बहुत कम आ रही है, अभी हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं इस शोर के बीच, लेकिन ये गर्भगृह के पास की तस्वीरें हैं राम मंदिर के अंदर। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पहुंचा, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, ये तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए राम मंदिर जो है अब पूरी तरीके से ढांचा उसका तैयार हो गया है। शुभम अगर आपको आवाज मिल रही है तो एक बार फिर से बताइए, यहाँ की बारीकियां आप लगातार बताने दिखाने की कोशिश करें दर्शकों को, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए कि एक तरफ फिर से मैं कहूंगा कि कैमरामैन देशराज से ये दृश्य दिखाने के लिए, क्योंकि अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग तरीके से जो द्वार बनाए जाने हैं इनमें भी खास तौर से चंद्रपुर की लकड़ियां हैं उनका उपयोग किया जाना है। और ऐसे में ये जो खास तौर से गोली मंडप, नृत्य मंडप और रंग मंडप है गर्भगृह के पहले भूतल पर, ये जो मंडप होंगे उनमें छत नहीं होगी। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ऊपर का दृश्य दिखाएं, ये वो मंडप का ऊपर का एरिया है जिन पर ये छत नहीं रहने वाले है और इसी हिसाब से परकोटे का निर्माण शुरू किया। आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भव्य तरीके से निर्माण तेजी के साथ चल रहा है। और जी शुभम, आपकी आवाज बीच बीच में कम हो जा रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने आप में बहुत दिव्य और भव्य है और यहाँ पर बहुत तेजी के साथ काम किया जा रहा है। वहां पर जो लक्ष्य रखा गया है 2024 तक भगवान जो है रामलला जो है यहाँ पर विराजमान होंगे और यहाँ पर दिव्य और भव्य दर्शन भगवान के हो पाएंगे, उसकी तैयारी किस तौर पर हो रही है वो हमारे सहयोगी शुभम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।